फतेहपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें विजू, उसकी गरीब माँ और शराबी पिता रहता था। विजू के पिता के शराब पीने के आदत की वजह से उसके परिवार को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। विजू का पिता कुछ काम नहीं करता और दिन भर शराब पीते बैठता, और इसी वजह से वो घर में कुछ लाकर भी नहीं देता था और ऊपर से अपनी पत्नी और बेटे को परेशान करता रहता था। इसी वजह से विजू की माँ को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। इसीलिए उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और अपने घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका शराबी पिता उससे वो पैसे भी छीन लेता। ए चल, तेरे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दे, मुझे शराब पीनी है। अरे ये कैसे इंसान हो तुम? एक तो तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है और ऊपर से जो कुछ मैं कमाती हूँ वो भी तुम हमसे छीन लेते हो। अरे अपने बेटे की तो कुछ फिक्र करो, दिन भर शराब में डूबे रहते हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की पढ़ाई रुक गई है। मेरा बेटा इतना पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। विजू पढ़ाई में बहुत होशियार था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत मन था। दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख वो अपनी माँ से बोलता, माँ मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ माँ। बेटा, बेटे मैं भी चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन तेरे पिता की वजह से तेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फिर गया और तुझसे तेरा बचपन छीन लिया गया। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पढ़ा नहीं सकती। मेरी अकेली के काम से सिर्फ घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। अपने मजबूर माँ की परेशानी विजू से देखी नहीं जाती। घर की तंगी और माँ की परेशानी देखकर आखिरकार विजू ने पढ़ाई लिखाई करने का ख्वाब अपने मन से निकाल दिया और उसने ठान लिया कि अब वो भी कुछ काम धंधा करेगा और अपने माँ की मदद करेगा। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं भी कुछ काम करके पैसे कमाऊंगा। उस पर उसकी माँ कहती है, बेटे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन हैं, तू क्या काम करेगा बेटा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विजू का जन्मदिन आया। अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर विजू के माँ ने उसके मन पसंद पानी पूरी उसे बनाकर खिलाने की सोची, और जैसे तैसे विजू के माँ ने कुछ पैसे जोड़कर घर पर ही अपने बेटे की मनपसंद पानी पूरी बनाई। विजू ने जब अपने घर में पानी पूरी देखी तो वो खुशी से झूम उठा। अरे वाह, माँ अपने अपने हाथों से मेरे लिए पानी पूरी बनाई है। हाँ बेटा, आज तेरे जन्मदिन पर मैंने अपने हाथों से तेरे मनपसंद पानी पूरी बनाई है, ले खा देख कैसी बनी है। हाँ माँ अभी खाता हूँ। वाह माँ, तेरी हाथों में तो जादू है माँ, इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अपने बेटे की खुशी देखकर विजू की माँ भी बहुत खुश हो गई। माँ के हाथ की बनी पानी पूरी खाकर विजू सोच में पड़ गया, माँ तो इतनी टेस्टी पानी पूरी बनाती है, अगर हम पानी पूरी बनाकर बेचेंगे तो हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर वो अपनी माँ से जाकर बोलता है, माँ माँ इधर आओ माँ, तुम तो इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाती हो, तुम हर रोज मुझे पानी पूरी बना कर दो और हर रोज मैं ठेले पर उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। पर बेटा तू ये कैसे करेगा, अभी तो तू इतना छोटा है, क्या फायदा मेरा। अगर मैं आपकी मदद ना कर सकूं, गांव में खाने पीने की वस्तुएं बहुत चलती है, हम भी कुछ करके देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है, हम आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। हाँ मैं कल से ही पानी पूरी बेचना शुरू करूंगा। फिर वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मोमोज बेचने वाला भी होता है। फिर वो उसी के बाजू में अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। उस दिन से हर रोज विजू के माँ पानी पूरी बनाती और विजू उसे बाजार में जाकर बेचता। वो बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, ऊपर से दाम भी इतना कम था कि हर कोई गरीब भी उसे खा सकता। सिर्फ 10 रुपए प्लेट के हिसाब से वो पानी पूरी बेचने लगा। पानी पूरी के खुशबू से ही लोग दौड़े चले आने लगे और उसकी पानी पूरी खाकर वे उसकी बहुत तारीफ करते। अरे वाह विजू, क्या पानी पूरी है यार, आज तो मजा ही आ गया।
वाह, और मुझे और एक प्लेट देना। वाह, तेरा तीखा पानी तो बहुत बढ़िया है। पानी पूरी खाकर तो मजे ही आ गए। कोई गरीब भिखारी मजबूरी के कारण पानी पूरी खरीद नहीं सकता तो विजू उसे मुफ्त में ही पानी पूरी दे देता था, क्योंकि वो उसकी मजबूरी समझ सकता था। दिन ब दिन उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और वो अच्छा मुनाफा कमाने लगा। इस तरह से देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे। विजू अच्छे खासे पैसे कमाकर घर का गुजारा करने लगा और उनकी परिस्थिति में सुधार आने लगा। ये सब देखकर विजू की माँ बहुत खुश होती गई। विजू की पानी पूरी बिकती जा रही थी और लोग उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। ये सब बाजू के ठेले पर मोमोज बेचने वाला गंगू देख रहा था और मन ही मन वो विजू से जल रहा था, क्योंकि विजू की पानी पूरी की वजह से मोमोज वाले की मोमोज पर सिर्फ मक्खियां ही बैठ रही थी। फिर वो खुद ही लोगों को चिल्लाकर बुलाने लगा, अरे गांव वालों, आओ आओ, देखो कितने स्वादिष्ट मोमोज बने हैं, गर्मा गर्म मोमोज। लेकिन कोई भी उसके मोमोज खाने नहीं जा रहा था और इस वजह से वो परेशान हो गया। जब से ये विजू के बच्चे ने पानी पूरी का ठेला लगाया है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। कुछ करना पड़ेगा इस चूजे का। लेकिन विजू की सफलता देखकर उसके शराबी पिता की नीयत फिर गई। फिर वो विजू के ठेले पर जाकर उससे शराब पीने के पैसे मांगने लगा। ए चल, आज तेरी जितनी भी कमाई है मुझे दे दे। विजू पैसे देने को मना कर देता है तो उसका पिता उस पर चिल्लाता है, अपने बाप को मना करता है। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये सब देखकर विजू की माँ गुस्से में दौड़ते हुए वहाँ पर आती है और उसके पिता से बोलती है, आज तक तुमने मेरे बेटे के लिए किया ही क्या है और आज उसे किस हक से पैसे मांग रहे हो? एक तो तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बचपन में ही काम करने लगा, जहाँ उसके खेलने कूदने के दिन है उसे काम करना पड़ रहा है, और ऊपर से शर्म आनी चाहिए तुम्हें पैसे मांगते हुए। एक तो तुमने हमें कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दी और अब किस हक से पैसे मांग रहे हो? किस तरह के बाप हो तुम? अपने बेटे को शाबाशी देने की बजाय उसे यहाँ पे आकर परेशान कर रहे हो, और हुलिया देखा है अपना, दिन भर शराब की नशे में पड़े रहते हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के ग्राहक भाग जाएंगे, आइंदा से ठेले पर मत आया करो, चलो जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर उसका पिता गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी को मारने के लिए जाता है। मेरे से जुबान लड़ाती है, मुझे पैसे के लिए मना करती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ, और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये सब देखकर विजू दौड़ते हुए आता है। रुक जाओ पिताजी, मैं सब कुछ सहन सकता हूँ, लेकिन माँ को हाथ लगाया तो ये मैं सहन नहीं करूँगा। अब निकल जाओ यहाँ से। बाप को इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना आइंदा यहाँ दिखाई मत देना। विजू की बात सुनकर उसका पिता गुस्से में बोलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो गुस्से से निकल जाता है। ये सारी बात बाजू के मोमोज के ठेले वाला गंगू देख रहा था। फिर वो कुछ सोच रहा था और मन ही मन बोलने लगा, अब मैं समझ गया किस विजू के बच्चे का धंधा कैसे चौपट करना है। यदि मैं इस विजू पानी पूरी वाले की दुकान बंद करवा दूं, तभी ही मेरे मोमोज की दुकान चलेगी। उसने शराबी पिता को अपने पास बुलाया, सुनो भाई, इधर आओ, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें हर रोज शराब के लिए पैसे दूंगा और इस तरह से तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, सोच लो। ये सुनकर उसके शराबी पिता में लालच आ जाता है और वो तुरंत उसे हाँ बोलता है। क्या करना है बोलो? मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा और वो दवाई की बोतल तुम्हें उसके पानी पूरी में मिलानी होगी, हमारा काम हो जाएगा। फिर वो वैसा ही करता है। दूसरे ही दिन सुबह उसकी माँ जब पानी पूरी बनाती है, तब चुपके से रसोई में जाकर वो दवाई पानी में मिला देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो पानी पूरी लेकर विजू बाजार चला जाता है और हर रोज की तरह पानी पूरी बेचता है। पानी पूरी खाते ही कुछ देर बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उन्हें उल्टियाँ शुरू हो जाती है। तब सब लोग परेशान हो जाते हैं।
ये सब देखकर विजू परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ग्राहकों के साथ क्या हो रहा है। ये सब देखकर बाजू में खड़ा गंगू मोमोज वाला मन ही मन खुश हो रहा होता है। मुझसे कॉम्पिटिशन करोगे, अब देखो क्या होता है। तब सभी लोग परेशान होकर विजू के पानीपुरी के ठेले के पास जमा हो जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं कि पानीपुरी खाकर लोगों की तबीयत कैसे बिगड़ रही है। तभी उसका शराबी पिता वहां आता है और वो दवाई की बोतल उन्हें दिखाता है और सारा इल्ज़ाम वो विजू पर डाल देता है। ये देखो, ये विजू आप लोगों को मारना चाहता है ये दवाई खिलाकर। ये देखो ये दवाई की बोतल। और झूठ बोलता है कि विजू ने ये दवाई पानीपुरी में मिलाकर लोगों की तबीयत बिगाड़ने की कोशिश की है। ये सुनकर गांव वाले विजू पर भड़क जाते हैं और वो विजू का पानीपुरी का ठेला बंद करवा देते हैं। ये सब देखकर विजू की माँ और विजू बहुत रोने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हमने तो इतनी ईमानदारी से अपना काम किया है और ये हमारे साथ क्या हो गया। और उन्हें ऐसी हालत में देखकर विजू का शराबी पिता बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना बदला ले लिया। दोस्तों, इंसान कामयाब होने के लिए दुनिया से तो लड़ लेगा, लेकिन अपनों से कैसे लड़ेगा? इंसान अक्सर अपनों से ही तो हार जाता है। अपने वो होते हैं जो मुसीबत में गैरों का साथ कभी नहीं लेते। गोपाल को एक दिन सड़क पर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है जो बहुत घबराया और सहमा हुआ होता है। शायद वो बेचारा अपने माँ से बिछड़ गया था और उसे थोड़ी सी चोट भी लगी हुई थी। फिर गोपाल उसके पास जाता है और उसे प्यार से सहलाता है और उसे कुछ खाने को देता है। बेचारे पिल्ले को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वो जल्दी से खा लेता है। फिर वो कुत्ते का बच्चा थोड़ा ठीक महसूस करता है। तब गोपाल उसे सड़क के किनारे छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो कुत्ते का बच्चा उसके पीछे पीछे आने लगता है। गोपाल उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा फिर भी उसका पीछा करते हुए उसके मोहल्ले तक आ जाता है। फिर गोपाल को भी उस बच्चे पर दया आती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने साथ ही रखने की सोचता है। लेकिन गोपाल के घर में जगह कम होने की वजह से उसके माँ बाप उस कुत्ते के बच्चे को अपने घर में रखने के लिए मना कर देते हैं। फिर भी गोपाल उनसे उस कुत्ते के बच्चे को घर में रखने की जिद करता है। अरे पिताजी, उसे रहने दो ना हमारे घर, बेचारा इतना सा ही है और कितना प्यारा है, मैं रखूंगा इसका ख्याल। तो गोपाल के माँ बाप उसे ही डांट देते हैं। अरे तू इसे कहाँ ले आया, पहले खुद का ख्याल तो ढंग से रख ले। तेरा ही कुछ सही नहीं है और इसे ले आया है घर में, इससे अच्छा तो पढ़ाई या कुछ काम धंधा कर ले, इसे कहाँ पालते बैठ रहा है। इस तरह से गोपाल के माँ बाप उसे खरी खोटी सुना देते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद गोपाल अपने माँ बाप को मना नहीं पाता और फिर उसे मजबूरन उस कुत्ते के बच्चे को घर से बाहर लाना पड़ा। लेकिन गोपाल को उसे छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए गोपाल ने उस बच्चे को अपने मोहल्ले में ही उसके घर के पीछे जो पेड़ था उसके नीचे रख दिया और हर रोज चुपके से उसे खाना देने लगा। इस तरह से वो कुत्ते का बच्चा उसके मोहल्ले में ही रहने लगा और कुछ दिनों में गोपाल के दोस्तों को भी उस पिल्ले से लगाव हो गया और वो भी उसे खिलाने पिलाने लगे। कोई उसे दूध ला कर देता तो कोई बिस्किट, कोई पेडिग्री तो कोई कुछ खाना। इस तरह से वो कुत्ते का बच्चा अपने सारे दोस्तों को पहचानने लगा, उनके आगे पीछे घूमने लगा और उनके साथ खेलने लगा। फिर गोपाल और उसके दोस्त उसे बड़ी नाम से पुकारने लगे और इस तरह से बड़ी मोहल्ले में रहने लगा, इधर उधर घूमने लगा। फिर बड़ी कुछ दिनों में बड़ा होने लगा। बड़ी बहुत ही प्यारा कुत्ता था। बड़ी का कोई भी दोस्त आता तो उसे तुरंत पहचान लेता। लेकिन जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ थोड़े बहुत बुरे लोग भी होते हैं, जिन्हें इस मासूम से तकलीफ होने लगी। बड़ी बहुत ही शांत कुत्ता था। वो किसी को भी काटता नहीं था और किसी को परेशान भी नहीं करता था। वो सिर्फ अपने दोस्तों के ही आगे पीछे घूमता था और अगर वो किसी के पास जाता भी तो बड़ी शांति से जाकर बैठता था। फिर भी मोहल्ले के लोगों को उससे तकलीफ होने लगी और कुछ लोग बड़ी को अपने पास आते ही हकालने लगे।
कोई कोई तो उसे लाठी और पत्थर से मारने लगा और इसी वजह से बड़ी अपने बचाव में उन पर भोंकने लगा। गोपाल और उसके दोस्त कई बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बेचारे इस बेजुबा को मत मारो, लेकिन लोग उन्हें ही बातें सुनाने लगे। अगर इतना ही ये कुत्ता प्यारा है तो इसे अपने घर में रखो ना, मोहल्ले में क्यों लोगों को काटने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन ये समझदार इंसान ये नहीं समझते, अगर तुम एक बेजुबा को मारोगे तो वो तो अपने बचाव में काटेगा ही। ऐसे ही एक दिन बड़ी रास्ते के किनारे सो रहा था तो अनजाने में एक छोटे से बच्चे ने खेलते खेलते बड़ी की पूंछ पर पाव दे दिया और बड़ी घबरा कर हड़बड़ी में चिल्ला कर उठ गया और उस बच्चे की ओर देख के जोर से भौंकने लगा। बड़ी को काटने की आदत नहीं थी, इसलिए बड़ी ने उस बच्चे को काटा नहीं, लेकिन घबरा कर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी उस बच्चे के माँ बाप दौड़ते हुए आए और बड़ी पर आग बबूला हो गए और उसे जोर जोर से मारने लगे। ये देख कर गोपाल दौड़ते हुए आया और बड़ी को उनसे बचाने लगा। फिर वो लोग गोपाल को बातें सुनाने लगे। वो लोग गोपाल के माँ बाप से भी शिकायत करने लगे और इस तरह से बात उसके घर तक आ गई और दूसरे मोहल्ले वाले भी उसके समर्थन में बोलने लगे। सब लोगों ने बड़ी पर अपना विरोध जताया और उसे मोहल्ले से दूर ले जाकर छोड़ने की सलाह दी और कहने लगे, अगर ये कुत्ता हमारे मोहल्ले में रहा तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, वो किसी को भी काट सकता है। फिर गोपाल के माँ बाप ने भी गोपाल को कह दिया, बड़ी को यहाँ से दूर लेकर छोड़ दे। लेकिन गोपाल ने उनकी बात नहीं मानी और वो बड़ी से प्यार करता रहा। एक दिन जिस बच्चे ने बड़ी की पूंछ पर पाँव रखा था, उस बच्चे के पिता ने बदले की भावना में बड़ी के पैर पर से गाड़ी चला दी। बेचारा बड़ी जोर जोर से चिल्लाया और उसे बहुत चोट लगी और वो लंगड़ा हो गया। बड़ी इस घटना से इतना डर गया कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया और वो उस दिन के बाद से हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे भागने लगा और इसी वजह से मोहल्ले के दो चार लोग गाड़ी से गिर गए। लेकिन गोपाल फिर भी उसे खिला रहा था। फिर ये बात बहुत बढ़ गई, सारे मोहल्ले वाले गोपाल से झगड़ने लगे, यहाँ तक के उन्होंने गोपाल को पुलिस केस करने की भी धमकी दे दी। उनका कहना था, अगर किसी को इस कुत्ते से हानि पहुँची तो इसका जिम्मेदार गोपाल ही होगा। मोहल्ले वाले उसे गालियाँ देने लगे, ये क्या मुसीबत हो गई है, लोगों की जान से ज्यादा इसे ये पागल कुत्ता जरूरी लग रहा है। लेकिन गोपाल ने मन ही मन ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बड़ी को खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। ये लोग अपने गुस्से और अहंकार में ये भूल गए हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे खुद से दूर कैसे करें, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये फीलिंग वही समझ सकता है जो इनसे प्यार करता है, इन्हें भी भावनाएं होती है, इन्हें कितना बुरा लगता होगा। ये प्यारा जानवर जो हमारा सच्चा दोस्त है, जिसे समाज के ऐसे लोगों के बर्ताव से गुजरना पड़ रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मोहल्ले वालों को ये समझ आ गया कि गोपाल तो हमारी बात नहीं मानने वाला, तो मोहल्ले वालों ने सोच लिया कि हमें इस कुत्ते के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इस कुत्ते को मार देते हैं, क्योंकि गोपाल तो इसे यहाँ से दूर नहीं ले जाने वाला। और उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसके खाने में कुछ मिलाकर उसे दे देंगे और इसे मार डालेंगे। ये बात गोपाल के दोस्तों को पता चल गई तो गोपाल के दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे ये खबर बता दी। ये सुनकर गोपाल बहुत घबरा गया और वो सोचने लगा, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो एक बेजुबा की जान के पीछे इस तरह से पड़े हैं। फिर गोपाल बड़ी के पास दौड़ते हुए गया और उसे गले लगाकर बहुत रोया और उसने बड़ी को समझाया कि मैं कितना भी चाहूं तो तुझे मेरे साथ नहीं रख सकता। ये लोग तेरी और मेरी दोस्ती कभी नहीं समझेंगे कि मेरी खुशी से ज्यादा तेरी जान जरूरी है और तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझसे दूर हो जाए। ना चाहते हुए भी गोपाल बड़ी को बहुत दूर ले गया और खुद से दूर, लेकिन बड़ी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आया। इस समाज में कुछ बुरे लोगों की वजह से कभी कभी अच्छे लोगों की अच्छाई भी खत्म हो जाती है और न चाहते हुए भी
उन अच्छे लोगों को भी बुरा बनना पड़ता है।